पढ़ाई लिखाई तो छोड़ो, तो जीरो लाता है, कुछ करता नहीं है, तुम्हारे गाने गाता है यहाँ पे गली गली में। तो पिताजी बोले वेरी गुड वेरी गुड। उन्होंने जब आपको प्रपोज किया था नॉर्मली किया था, गाना वाना गा के किया था? अरे बाप रे, वो मत पूछिए। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जी, आज का हमारा एपिसोड जो है वो बहुत ही खास है, बिकॉज हम अपनी इंडस्ट्री के महान कलाकार को ट्रिब्यूट देने जा रहे हैं, जिन्होंने 1948 से लेकर 1987 तक लगातार एक से एक सुपरहिट गाने गाए। वो क्या नहीं करते थे, वो एक्टर थे, वो सिंगर थे, वो कॉमेडी करते थे, मतलब एक एक सही मायनों में जिनको आप फनकार कह सकते हैं वो थे, जिनके गाने आज भी बेहद पॉपुलर हैं और आने वाले 100 सालों तक भी रहेंगे। वो महान सिंगर थे, द वन एंड ओनली लेजेंडरी किशोर कुमार साहब। एक बार जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। और आज उन्हीं महान किशोर दा को ट्रिब्यूट देने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं उनके परिवार के कुछ लोग, जिनको आप सब लोग बाखूबी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा उन्हें, जो किशोर दा के बड़े बेटे हैं और साथ ही में इन्होंने हिंदी फिल्मों में कई बेहतरीन नगमे जो है हमें दिए हैं। प्लीज वेलकम द वेरी वर्सेटाइल सिंगर मिस्टर अमित कुमार। जोरदार तालियां हो जाए एक बार अमित जी के लिए। मैं आपका बहुत बड़ा पंखा हूं, यानी कि फैन हूं। सर हम भक्त हैं, मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब मैंने कभी लाइफ में कभी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ कि किशोरदा के दर्शन हो सके, लेकिन आज आप हमारे शो पे आए तो मेरे लिए आप उसी बराबर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। थैंक यू। यहाँ पर उपस्थित सभी दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और अर्चना जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हाउ आर यू? आई थिंक वी मेट आफ्टर एजेस। आफ्टर एजेस, राइट? बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम सब जानते हैं कि किशोरदा जब भी मंच पे जाते थे तो वो जितने भी दर्शक या जितने भी उनके चहेते जो फैंस हैं, जो उनको सुनने आते थे, वो उनका एक खास तरीके से अभिनंदन करते थे। तो अमित जी एक बार पहले वो हो जाए जरा। हाँ, वो 1972 में उन्होंने खुद लिखा। अच्छा जी, मुझे याद है न्यूयॉर्क में वाह उन्होंने शुरू किया। हरफन मौला कलाकार थे। किशोरदा के बारे में तो हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे जी, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपका आगाज हुआ एज ए सिंगर, आपका पहला गाना कौन सा था? आई स्टार्टेड सिंगिंग फ्रॉम कलकत्ता। अच्छा जी, कोलकाता में मेरा पहला प्रोग्राम था भवानीपुर में, उत्तम कुमार महान नायक जी उनके इलाके में दुर्गा पूजा का कार्यक्रम था, उन्होंने ही मुझे सौंपा। अच्छा जी, इससे गवाओ। अच्छा जी, मैं प्रिपेयर किया था कुछ 6 गाने गाऊंगा, तो मुझे गाना पड़ा 10 गाने। अच्छा जी, तो वो जो एक इनहिबिशन है वो निकल गया, डर निकल गया। मैं तो अरे यार अच्छा यार, उसके बाद मैं गली गली में गाना शुरू किया। अच्छा, कलकत्ते के गलियों में गा रहा हूँ, इधर 500 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये, 3000 रुपये गा रहा हूँ, गा रहा हूँ, गा रहा हूँ। अभी मम्मी को मालूम पड़ गया। अच्छा, तो उन्होंने फोन किया मेरे पिताजी को, बोले वो तो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई तो छोड़ो, तो जीरो लाता है, कुछ करता नहीं है, तुम्हारे गाने गाता है यहाँ पे गली गली में। तो पिताजी बोले वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। फिर वो शो देखने आए कलकत्ते में, रविंद्र सदन में शो हुआ था, बैंक का शो था मुझे याद नहीं। तो मैं पिताजी शो देखने आए, मतलब मैं आता हूँ कलकत्ता। तो अभी जैसे किशोर साहब आए उस जमाने में, तो ही जस्ट केम बैक आफ्टर आराधना जी 69 के बाद, तो एकदम ही वाज अ वन मैन शो। कोई कोई ऐसा था एकदम। तो जैसे आए तो तुम्हें बोले थे तुम्हारे लिए मैंने फ्रंट सीट रखा है, वहाँ पे तुम बैठोगे। बोले कभी मत करना ये गलती। बोले क्यों? बोले कोई तुम्हारा गाना सुनेगा ही नहीं, सब मेरे को देखेगा। बट ये सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल एक्सपीरियंस। तो मैन देन वी पुट हिम ऑन द यू नो जहाँ से लाइटिंग होता है ना जी, वहाँ पे साइड में बैठा दिया। अभी किसी को मालूम नहीं यहाँ किशोर कुमार बैठा हुआ है। मैं गा रहा हूँ, मैं हूँ झुम 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 रूप पकड़ घूम बाबा ऐसा कर रहे। तो देन ही टोल्ड माय मदर कभी बस उसको भेजो बॉम्बे। फिर मैं बॉम्बे आया, बॉम्बे में मुझे षण्मुखानंद हॉल में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 1973 में। SD वरुण वॉज द चीफ गेस्ट। वाओ, रेस्ट इज हिस्ट्री या ज्योग्राफी वो आप बता दीजिए।
आइए आइए मिजी प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. यहाँ पे विराजमान हो जाइए. थैंक यू. अच्छा अमित जी, आप खुद एक बेहतरीन सिंगर हैं, लेकिन किशोरदा के सुपुत्र भी हैं, तो किशोरदा के सुपुत्र होने के नाते आपके लिए कितना इजी था या मुश्किल था फिल्मों के लिए गाना? बिकॉज किशोरदा के साथ कंपैरिजन तो होता ही होगा आपका. अभी भी होता है जी. भी ज्यादा होता है. अच्छा जी. देखिए वो मुझे कॉम्प्लेक्स कभी रहा नहीं. अच्छा. अगर होता तो मैं शायद यहाँ पे आपके शो में कहाँ बैठता मैं. जी बिल्कुल. पिताजी ने सब सिखाया मुझे. आई लर्न फ्रॉम हिम. तो मैं तो उनका एक अंश हूँ. बिल्कुल. लेकिन हाँ, ही वॉज माई फादर वॉज लाइक अ बनियन ट्री. राइट. मैं एक चूहा. तो लेकिन करते करते देयर वर सम म्यूजिक डायरेक्टर्स हु रियली स्टूड बाय मी, लाइक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी एंड आर डी बर्मन. वाह क्या बात है. आर राहुल द बर्मन. आर डी बर्मन पर्टिकुलरली बोला गया, देख किशोरदा जैसा तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन तू कॉपी मत कर. तो अपने हिसाब से गा. अच्छा जी. करने की जरूरत नहीं है. तो आराम से गाना. ये बहुत बड़ा ये हुआ उन्होंने जो मुझे गाना दिया. बड़े अच्छे लगते हैं. वाह बड़ा खूबसूरत गाना. वो जो ऐसा हुआ तो बड़े अच्छे लगते हैं. मैं आई डोंट साउंड लाइक माय फादर. अच्छा अमित जी, जब मतलब आर डी बर्मन साहब और किशोरदा का तो बड़ा हिट कॉम्बिनेशन था. हाँ जी. लेकिन जब आपने आर डी बर्मन साहब के साथ पहली बार गाना गाया जी, तो किशोरदा ने कहा ना कि मैंने तो ऑलरेडी वहाँ पे कब्जा जमा रखा, अपनी दुकान कहीं और खोलो. नहीं, वो तो बहुत खुश, अंदर से बहुत खुश हुए. अच्छा. लेकिन फिर मुझे गाना ऐसे मिला, मैं ये बड़े अच्छे लगते हैं जी, वो एकदम से मुझे नहीं मिला. उस वक्त पंचमदा के रिहर्सल में एक दूसरी फिल्म का रिहर्सल चल रहा था, मन्ना दा और बाबा दोनों मिलके. अच्छा जी. डुएट था. तो मुझे बाबा ने बोला, तू तो पंचम का बहुत बड़ा भक्त है ना, तो चल मेरे साथ. तो मैं गया. तो मैं फर्स्ट टाइम देखा आर डी बर्मन को उस वक्त, मतलब एकदम क्लोज थे हारमोनियम पे. मतलब पंचम दा को मालूम पड़ गया कि ये लड़का गाता है. हाँ. तो अचानक मेरे को देखा उन्होंने. अरे तू कैसा है, मैंने सुना तू गाना गाता है. गाना सुना. अभी फट से कोई बोले गाना सुना तो क्या होगा. अभी जस्ट इमेजिन, बाजू में मन्ना दे बैठे हुए हैं, पिताजी पूरे पूरे टीम बैठे हुए हैं सब. लगाओ. तो मैंने झुमरू गाया. अच्छा जी. इतना बकवास गाया मैं डर के मारे. मतलब कि घबरा गया मैं बहुत. गा ही नहीं पाया मैं. एकदम ना नर्वसली गाया. उसके बाद गाड़ी में जो लेक्चर दिया पिताजी ने मुझे. क्या करेगा तू, कैसा गाता तू. बोले मुझे छोड़ दो. मैं बोला मुझे छोड़ दो, मुझे कलकत्ता जाना. तो मैं वहाँ ठीक हूँ, गली गली में गाऊंगा, ठीक है, मुझे यहाँ नहीं रहना. इन द इवनिंग देयर कम्स अ फोन कॉल. फोन कॉल आर डी बर्मन. बाबा बोल रहे हाँ बोलो क्या है. बोले कल भेजो उसको, आपके लाडले को भेजो. अच्छा. वो गाना मिल गया है. बड़े अच्छे लगते हैं. मिल गया बस. वाह क्या गाना है. लेकिन अरे अरे किशोरदा को जिन्होंने सुना है, इंक्लूडिंग मी, हम लोग को वो रंग आ ही जाता ना. आप इतना सुनते हैं उनको. हाँ. तो आपके तो फादर हैं, तो आपके तो ब्लड में है, तो अगर उनकी आवाज का बिल्कुल आपके अंदर वो आ भी जाए टच, तो कोई बुरी बात नहीं है. कई सारे लोग हैं जो मानते हैं मेरे फैंस हैं, और कई सारे नहीं मानते. तो एक फेसबुक में मुझे किसी ने मुझे फ्लूक बोल दिया. अच्छा. फ्लूक, आप तो फ्लूक हो. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा फ्लूक यार. तो मैं एक एल्बम बनाऊंगा, इसका नाम अमित कुमार का फ्लूक. अच्छा अमित सर, हमने ऐसा सुना कि किशोरदा के पास जो टैलेंट है गाने का जी, मतलब चाहे एक्टिंग करे या जो, उन्होंने कभी किसी से ट्रेनिंग नहीं ली थी. ये सही बात है? नहीं, कभी तो ट्रेनिंग नहीं. वो तो उनके गुरु थे कुंदन लाल सहगल. सहगल साहब के गाना गाते थे वो जी बचपन से. अच्छा जी. और क्लासिकल तो उन्होंने कभी सीखा नहीं. सहगल साहब को देखते हुए सीखते हुए उन्होंने वो ही एक्चुअली कुड सिंग सहगल सॉन्ग. मतलब एक एक जगह जो है ना, इतना खूबसूरत से गाते थे वो. वाह. उन्होंने सीखा नहीं कभी. It was a gift, natural gift. My God. Natural. और एक बता दूं आपको, सहगल साहब, ये गलत फहमी है, सब मीडिया बोलते हैं he never got to meet सहगल, but that is wrong. He met सहगल. अच्छा जी. वो जब 9 साल के थे तो दादा मुनि अशोक कुमार जी उनको, उन्होंने कहा दादा मुनि मुझे सहगल से मिलाओ. बस तू सहगल से मिलकर क्या करेगा. तो फिर वो लेके गए. ठीक है मैं लेके चलता हूँ तेरे को, तुम मिल. तो सहगल साहब के सामने पिताजी का फेवरेट गाना सहगल साहब का, किसने ये सब खेल रचाया. वाह. इतने ब्यूटीफुल गाया था उन्होंने. और सहगल साहब ने बोला था कि वाह, बोलो तुम, आशीर्वाद दिया था. बोला अशोक तुम्हारा भाई बहुत अच्छा गाता है, लेकिन उनका एक अंग दोष है.
क्या है, हिलता बहुत है। तो सर आपने सीखा गाना कि गॉड गिफ्ट आपको भी? मैं एक दफा मेरा दिमाग खराब हो गया था। अच्छा जी। 1971 में कि मैं क्लासिकल सीखूंगा। अच्छा। तो पिताजी को मैंने बोला बाबा मैं क्लासिकल सीखूंगा, तो पिताजी ऐसे थे तो क्लासिकल सीखूंगा, और तो बाबा बोले मेरा लूप लग गया, तो मैं सीखूंगा क्लासिकल, मैं क्लासिकल सीखूंगा। बोले ठीक है आराम से भैया आराम से। तो फिर उन्होंने मन्नादा को फोन किया, मन्नाडे। अच्छा जी, वाह। मन्नाडा के साथ पिताजी का पुराना रिश्ता, मैंने मन्नाडा मेरा लड़का अमित बोलता है क्लासिकल सीखेगा, मन्नाडा क्या क्लासिकल मूवी, ठीक है उसको भेज मेरे पास। तो मैं गया मन्नाडा के पास, फिर उन्होंने मुझे उस्ताद दिया, उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान साहब, वाह, उनके पास मैंने सीखा। वो आते थे घर पे आते थे। अच्छा जी। तो वो 6 महीना सिखाया तो मेरा तो बाउंसर गया पूरा, अंदर गया ही नहीं। अच्छा। तो फिर पिताजी को मैं बोला बाबा मेरे से नहीं हो रहा, बोला मैं बोला था तेरे को ना नहीं होगा, क्यों ऐसा दिखाता है अपने आप को। तो उसके बाद तो खैर, लेकिन गुलाम मुस्तफा जी अभी भी बोलते हैं कि अगर तुम सचमुच सीखते थे तुम बहुत अच्छा गा सकते थे। मतलब सही बात है, पर आप बहुत अच्छा गाते हैं जी। अच्छा अमित जी, ऐसा भी तो होता होगा जैसे किशोरदा इतने बिजी हैं और कोई और प्रोड्यूसर आया, अरे एक तो उसका बजट भी कम हो गया, तो ऐसा कभी किसी ने सोचा यार उनका बेटा ही तो है अमित और उनकी आवाज भी आपकी काफी वो रंग तो आता ही है, तो कभी ऐसा हुआ? हुआ, कम बजट वाले आपके पास आ गए? हुआ है। अच्छा जी। हुआ है, बहुत हुआ है। देखिए मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, पिताजी का रेट बहुत भयंकर रेट था उस जमाने में। अच्छा जी। और उनका एक था कि लता कितना ले रही है। अच्छा। तो अगर लता जी 80,000 ले रहे थे, मैं 90 लूंगा। अच्छा। तो ये कमाल था ये। तो और देते थे प्रोड्यूसर घर पे आके देते थे, ये बहुत बड़ी बात घर पे आके। पर घर पे आके पैसे देखा। बड़े तो ठीक है भाई। अभी कहाँ वो 90,000 से मेरा रेट क्यों बोलूं मैं। लेकिन हाँ एक गाना था मैं ही गाया था, गुलजार साहब ने लिखा था, आर डी बर्मन का रोज रोज आंखों तले। वाह बड़ा खूबसूरत गाना। वो गाने में 3 अंतरे आशा जी की थे। अच्छा जी। आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट 1984-85 में जीवा फिल्म रिलीज हुई थी। अच्छा जी। तो अभी हीरो जो है संजय दत्त, अच्छा जी, उसको जब मालूम पड़ा उनको कि पूरे गाने में कुछ नहीं कर रहा लड़के मंदा की नहीं गाएगी और मैं खड़े रहूंगा ऐसा करके, तो बोला मेरे को एक अंतरा दो। तो उनके वजह से एक अंतरा। मेल अंतरा आया, थर्ड अंतरा। अच्छा जी। तो थर्ड अंतरा जैसे हुआ तो पंचम दा बोले ठीक है किशोरदा को फोन करो यार। तो किशोरदा का नाम सुन के डड्डू से किशोरदा क्यों क्या भाई अभी क्यों ठीक है चलो अमित को फोन करो यार। अच्छा। मेरी एक बुरी आदत है दोपहर को कुछ भी हो जाए अमित कुमार नीड्स 40 विंग्स, दोपहर को सोऊंगा ही मैं। अच्छा। बचपन से है तो पिताजी को मालूम था ये। पंचमदा ने फोन किया और बाबा ने उठाया हेलो। अरे पंचमदा का एक बड़ा मजेदार ये था। अच्छा। कभी भी हेलो नहीं बोलते थे, जैसे हम हेलो बोलते वो हाँ। तो पहले हाँ क्या तो बाबा हाँ से हाँ तो तो बाबा बोले तो बाबा बोले पंप चम चम क्या कर रहे हैं हम लोग पॉइंट पे आओ यार। तो फिर बोले भाई आपका लड़का क्या कर रहा है, बोलो तो मालूम नहीं सोता है वो दोपहर को सो रहा है, बोलो उसको जगाई उसको गाना मिल गया एक। अच्छा। तो बाबा बोले पंचम मैं किस खेत की मूली हूँ, बोले आपका बजट ही नहीं है। तो मुझे ये गाना मिला। वाह क्या बात है, बड़ा खूबसूरत गाना है। सीरियसली सर आपकी आपके परिवार के ऊपर ना एक सरस्वती माँ की कृपा है, मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि मैंने सीखा ही नहीं है, मुझे लगता है कि अगर आपने नहीं सीखा तो सीखा है किसने फिर। नहीं नहीं मतलब इतना 87 when my father died, उसी साल मैं क्लासिकल सिंगिंग मतलब लाइट क्लासिकल सत्यनारायण मिश्र जी, आज वो भी नहीं है दुनिया में, जो उन्होंने मुझे 6 साल अच्छा मार मार के सिखाया। वाह। उसके बाद मुझे सब गाने मिलना शुरू किया, मुझे लक्ष्मी जी मुझे बोलते थे तेरा वॉइस का क्वालिटी बहुत अच्छा है, घंटों गड़बड़ करता है सीरियस नहीं तो तेरा वॉइस का क्वालिटी बहुत अच्छा है, लेकिन सुरेश वाडकर जैसे अच्छा गाता है, चरण सिंह का वॉइस अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन तू सीरियस नहीं है। लेकिन उन्होंने गाना दिया मुझे
कह दो कि तुम सब मैं आई सैंग फॉर ऑलमोस्ट ऑल द हीरोज अनिल कपूर दिलीप साहब के लिए गाया देव साहब के लिए गाया राजेश खन्ना के लिए गाया अमिताभ बच्चन के लिए गाया लिस्ट इज एंडलेस आई सैंग फॉर एवरीवन एंड आई थैंक्स टू ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर्स अच्छा मैं एक चीज कन्फेस करना चाहता हूँ जी मुझे ना पता नहीं था कि ये बड़े अच्छे लगते हैं आपने गाया मुझे लगता था किशोर दा ने गाया और एक और चीज बताऊं सर थैंक यू अभी अभी मुझे पता चला कि ये गाना भी आपने गाया है कि कह दो कि तुम हो मेरी वरना हाँ मुझे मुझे पता नहीं था इसका मतलब मैं I'm a great grandfather or what वो सर आप कमाल हो मतलब ये दो लाइनें हो जाए सर मैं आपको मैं दिल से कह रहा हूँ मैंने ना तो, ये कह दो कि तुम तेजाब जी बिगेस्ट हिट लक्ष्मी जी वाज वन म्यूजिक डायरेक्टर सभी अच्छे थे लक्ष्मी जी का एक था प्रेडिक्ट करते थे अमित कुमार डायरेक्टर का गाना क्या होगा मतलब अभी तो रिकॉर्डिंग भी नहीं हुआ है पर डायरेक्टर का वो रुस्ता बन जाएगा थैंक यू हमारा सौभाग्य सर आज आप हमारे स्टूडियो में हो मेरा सौभाग्य तो ये है कि मैं आज आया हूँ आपके शो सर, में सर मुझे तो दर्शन हो गए साक्षात किशोरदा के मैं संगीतकार सबके साथ काम किया ऑल द म्यूजिक डायरेक्टर्स जी एंड आई वाज सो लकी मतलब कि एक मेरी अच्छा थी एस डी बर्मन वो नहीं हो पाए ही डाइड बट ही केम फॉर माय फर्स्ट शो अच्छा जी एंड ही हम ऑडियंस में बैठे थे शनमुखानंद में वहां से उन्होंने गार्लैंड फेंका था मेरे ऊपर वाह दैट वाज द बेस्ट अवार्ड आई सॉ क्या बात और थैंक यू और 90s में मैंने सलमान खान जी के लिए गाना गाया निश्चय फिल्म में उसके संगीतकार थे ओपी नैयर नैयर साहब के लिए भी मैंने गाना गाया क्या बात है वाह तो उसका एक मजेदार किस्सा है निश्चय में कौन सा गाना निश्चय में देखो देखो तुम हो गया मैं गुम सर मुझे एक बार फिर से माफ कर देना मुझे लगा नहीं आपको क्या लगा नहीं मुझे लगा कि नहीं मुझे लगा एस पी बाला सुब्रमण्यम साहब क्योंकि उनके गाने भी थे ना फिल्म में सही बात है लेकिन मैं गाया था क्या बात है यार मैं गाया वाह अच्छा वो नैयर साहब को तो पिताजी रफी साहब को ये प्रेफर करते थे पिताजी के साथ पुराना ये था एकदम शुरू शुरू में तो नैयर साहब एक दिन मुझे फ़ोन किया नैयर साहब उनका वॉइस कुछ अजीब था तो मैं फ़ोन उठाया हेलो वहाँ से नैयर साहब खुद फ़ोन किया हेलो तो कौन बोल रहा है मैं ओपी नैयर बोल रहा हूँ अमित है तुम्हारा नेम हाँ मैं अमित बोल रहा हूँ बेटा मैं ऐसे ऐसे पिक्चर में मुझे मतलब सर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं जू होटल में आ जाओ करेक्ट 10 बजे आना बेटा रिहर्सल करेंगे तुम और कविता दोनों डुएट गाना है और भी एक सोलो गाना है सब तो मैं गया अच्छा मैं 10 बजे पहुंच नहीं पाया कपिल जी मैं 10:10 में पहुंचा तो ही वाज स्टैंडिंग ऑन द डोर ऐसा करके ये कोई वक्त हुआ आने का अरे 10 मिनट तुम क्या अपने आप को मोहम्मद रफी समझते हो अरे बाप रे चलो नहीं मैं तो ठीक है सर उसके बाद उन्होंने मुझे यही गाना मुझे कविता को कम से कम 6 दिन तक रिहर्सल करवाया वाह 6 दिन बड़ा खूबसूरत गाना है उसके बाद हमने बॉम्बे लैब में गाना रिकॉर्डिंग हुआ अच्छा उनका क्या था होता था कि 10 बजे 10:30 बजे टेक शुरू किया 12 बजे बैकअप मतलब कविता से कहा मेरे को अच्छा नहीं लगा मैंने कहा कि मेरे को आई थिंक आई शुड गो फॉर अनदर टेक ठीक नहीं गाया मैं तो कविता बोल रहे मैं नहीं बोलूंगी तुम बोलो तो मतलब नेहर साहब हाँ बेटा बोलो मैं और एक टेक लेना चाहता हूँ तुम इससे अच्छा नहीं गा सकते अच्छा ऊपर वाले का कर्म देखो कैसा हम मैं पता ही नहीं था कि मैं इनका फैन हूँ कि मतलब देखो देखो तुम जब गाना निश्चय फिल्म में हाँ। क्योंकि उसमें वहाँ उन्होंने भी एसपी वाला सुब्रमण्यम साहब ने भी गाना सर मजा आ गया आपसे मिलके लव यू सर क्या बात है बहुत मजा आ रहा है एक्चुअली मतलब ये फैमिली के ऊपर ये कृपा है ऊपर वाले की बात करते हैं तो हंसा देते हैं गाते हैं तो आपको उस दुनिया में पहुंचा देते हैं तो ये वाकई ये ऊपर वाला दे तो दे बस कि मजा आ गया मिलके आज कसम से अमित जी से बातें करके बहुत मजा आ रहा है तो चलिए इस मजे को जो है थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं अब मैं यहाँ पे इनवाइट करने जा रहा हूँ किशोरदा की फैमिली से 2 और मेहमानों को इनमें से एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने किशोरदा की जिंदगी को ना सिर्फ करीब से देखा है बल्कि इनकी खूबसूरती को देख के किशोरदा ने अपनी जिंदगी इनके नाम कर दी तो इन्होंने हमें मन के मीत हमजोली महबूब की मेहंदी मन चली विदाई और बैराग जैसी सुपरहिट फिल्में दी हैं सो प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस लीना चंदावरकर जी
और साथ में किशोर दा के छोटे से पुत्र वेरी टैलेंटेड सुमित कुमार जी, जोरदार तालियां हो जाए, तालियां जोरदार हो जाए एक बार। क्या हंसा है बाप रे, बाप रे बाप। लीना जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, हम धन्य हो गए आप हमारे शो में आए। मैं क्या बोलूं, हम लोग घर में आपको देखते थे और आप, मैं बताया कि किशोरदा कहते थे कि जो हंसाता है दुनिया को वो भगवान के बाद होता है। सो स्वीट, थैंक यू। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अभी अमित जी से यही कह रहा था कि हमें सौभाग्य नहीं मिला कभी किशोरदा से मुलाकात करने का, पर आज ये हमारा सौभाग्य, आप आज उनका परिवार हमारे साथ है, तो जोरदार तालियां हो जाए आज। लीना मैम सबसे पहले तो हमें ये बताइए, आप जितनी बला की खूबसूरत है जी, थैंक यू। किशोरदा उतने ही शरारती थे, उतने ही मजाकिया थे, तो आपके चक्कर में सीरियस कैसे हो गए हो जी? मतलब जब आप उन्होंने जब आपको प्रपोज किया था, नॉर्मली किया था, गाना वाना गा के किया था? अरे बाप रे, वो मत पूछिए। पहले लाइफ की ट्रेजेडी में, अच्छा जी, ज्यादा दिन नहीं हुए, मैंने कहा मैं काम नहीं कर सकती, मैं तो बोलने लगे कोई बात नहीं तुम स्टोरी तो सुन लो। नहीं मैंने कर सक, करते करते मना लिया, नन का रोल दिया बहुत सुंदर। अच्छा जी। फिर उसके बाद में मैं घर पे बुलाया, अमित सब लोग थे। अच्छा जी। उन्होंने कहा कि तुम खाना बड़ा अच्छा बनाते हो, क्योंकि मैं नॉर्मल होने लगी जब मैं, अब हुआ ये कि उन्होंने बोलते बोलते बोल ही दिया कि अगर ऐसा नहीं, अगर कभी सोचो शादी के लिए तो मेरा प्रपोजल सबसे पहले। मैं बोला क्या आपके लिए शादी इतना क्या कोई मायने नहीं रखती है, आप जिसके साथ भी काम करते हो। किसी ने मुझे भड़काया था, संजीव कुमार, उन्होंने बाद में बता, संजीव कुमार जी ने भड़काया था। संजीव जी ने मुझे बोला, वो फिल्म में लेना चाहते ना, पहले राखी बांधो। शादी करोगी? तो मैंने कहा नहीं, क्यों शादी करूं, मैं उनकी फैन हूँ। फिर उसके बाद में उन्होंने जब कहा मेरा प्रपोजल है, तो मैंने कहा नहीं आपने क्यों ऐसा बोला, तो बोलते अच्छा अच्छा कैंसिल कर दो, मेरी फिल्म मत छोड़ना, तुम सीनियर है और इतने मेरे फेवरेट है। तो मैंने कहा नहीं नहीं फिल्म नहीं लेकिन शादी नहीं, तो बोले ठीक है। फिर उसके बाद में मैं जब आई मामा से मिलने, तो बोलती ये मुसीबत फिर से मेरे गले में आ गई। अच्छा। मतलब जो हुआ था मेरा, ससुराल से मैं घर आ गई और कहाँ जाती, मुझे बहुत लग गई बात, बोलते हैं ना अपना। मैंने कहा पापा मुझे इतना प्यार करते, मैं भी ऐसे कैसे कह दिया। फिर मैंने उनको फ़ोन लगा, मैंने बस सुनिए, तो उठाया था, हाँ लीना तुम, मैंने कहा देखिए आपने उस दिन कहा था ना कि आप शादी करना चाहते हैं, सीरियसली कहा था या ऐसे? अरे बाबा वो तो हो गया ना बात, मैंने तो सॉरी भी बोला, ये भी हो गया सब, अभी मैं भूल भी गया हूँ। तो मैंने कहा ऐसा है तो फिर मुझे किसी और का अप्रोच करना होगा। मैं जाके रास्ते में किसी को पूछूंगा आपकी शादी हुई है, नहीं आप मुझसे शादी कर सकते हैं। फिर बाद में पता क्या बोलते हैं, अरे बाप रे मैं सोचता था मैं ही सबसे बड़ा, तुम तो मुझसे भी बड़ी। सुमित आपको याद है कोई किस्सा किशोरदा का? इसका एक किस्सा मैं बताता हूँ। हमारे जो बंगलो है, किशोर साहब के बंगलो, उसके मानिक जी के ऊपर जो स्कूल है लगा हुआ एकदम, जो दीवार दादा नो प्लीज नहीं एक बार, अरे दिस इज द फैमिली शो, ओपन बुक यार, वैसा इंसान पैदा ही नहीं होगा, वन ऑफ अ काइंड, ये तो मैं बोलूंगा एब्सोल्युटली। तो स्कूल वहाँ पे बच्चे लोग क्रिकेट खेलते थे, गार्डन था वहाँ पे और वो ग्लास हाउस था, तो ऐसा हुआ कि बच्चे लोग खेल रहे हैं तो वो ग्लास हाउस बनाया था, तो बॉल आके धाड़ तोड़ दिया कांच। अच्छा। अब पिताजी वहां से जो उनका शुरू हुआ, गालियों का जो प्रचार शुरू हुआ, वो बोल नहीं सकता मैं, तेरी भाबा 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 भाबा, बच्चे लोग का प्रिंसिपल भी खड़े वहां पे, अभी मैं पीछे से आगे क्या हुआ क्या हुआ, ये छोटा क्या हुआ, ये बोल रहे बाप रे बाप, बाप का बेटा दोनों देखो।
तो प्रिंसिपल फिर चिट्ठी लिखा, किशोर साहब आप सचमुच तो क्या मतलब बचपना कितना, मतलब ये बातें जो कहीं सच ही कहते हैं कि ये जो कलाकार के अंदर का बचपना है, हालांकि सिर्फ कलाकार ही नहीं किसी के अंदर का भी जो बचपना है वो नहीं मरना चाहिए, पर आज मैं देख रहा हूँ कि अमित जी आपके अंदर भी वो शरारतें हैं, और लीना जी आपके ना आपके चेहरे पे भी एक कहीं ना कहीं एक मासूम से बच्चे वाली ना वो स्माइल दिख रही है। सो बहुत ही प्यारे लग रहे हो आप तीनों। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आज सिर्फ लीना जी, सुमित और अमित जी नहीं है, अमित जी का परिवार भी यहाँ पे है। अमित जी आप प्लीज इंट्रोड्यूस करवाएंगे कौन कौन आया घर से। मेरी पत्नी रीमा गांगुली, नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपके बहुत बड़े फैन हूँ। थैंक यू। माय मदर इन लॉ वंदिता दास गुप्ता, नमस्कार जी, प्रणाम, वेलकम। बहुत बड़ी फैन। मेरी बड़ी डॉटर उस तरफ है, हेलो मुक्तिका गांगुली, वेलकम, और वृंदा गांगुली, वेलकम। ओ चंदू, ये क्या पतीला लेके घूम रहा है? खबरदार, इनको पतीला बोला तो ये मेरी जायदाद है। पतीले कौन सी जायदाद होती है बे? अच्छा, मुकेश अंबानी की अंटीला हो सकती है, मेरी पतीला नहीं हो सकती। पहली बार मैंने पतीले के दो ढक्कन देखे हैं। एक पतीले के ऊपर, एक पतीले के साथ खड़ा है सूट बूट में। जब बर्तनों की इतनी नॉलेज है तो शो क्यों खोला? टेंट हाउस खोलो ना, वो ज्यादा चलेगा। मैं भी किसमें उलझ गया कि श्री किशोर कुमार जी की फैमिली आई हुई है। अमित जी नमस्कार, सुमित जी नमस्कार, अलीना जी नमस्कार। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं पतीलों के साथ क्यों आया हूं? नहीं, वो नहीं सोच रहे। तो फिर आप क्यों सोच रहे हैं? अच्छा, मैंने एक चीज देखी है, उतना हिसाब धर्मराज कर्मों का नहीं रखता जितना ये हमारा रखते हैं। मैं कर्मों का नहीं, तेरे जैसे बेशर्मों का हिसाब रखता हूँ। तुम क्यों मेरी बेइज्जती सुन रहे हो? चलो यहाँ से निकलो। एंड कीप द चेंज। कीप द चेंज उसको बोलते जिसको पैसे दिए हो, जिनसे खुद मांग के आए उनको नहीं बोलते कीप द चेंज। जब आपको पता होता कि पैसे देने होते तो फिर देते क्यों नहीं हो? लोग तुम्हारे घर से खाली जाते हैं। ये शो है तेरा, सिग्नल नहीं है। जहाँ मैं जी में आया तो मांगना शुरू कर देता तू। देखो मेरी बात सुनो प्लीज, मैं आज म्यूजिक के मूड से आया हूँ। अच्छा, मैं बातें करने के लिए आया हूँ, आप मुझे प्लीज डिस्टर्ब ना करें। बड़ा तेरा छोटे तबले जैसा मुंह है तेरा। बता क्या बातें करने आया? मैं अमित जी, इधरा पीठ पीछे बातें बड़ी करता है एक तो। बैठ इधर बैठ, देख तेरे को इज्जत दे रहा हूँ। कभी सोचा था तू किशोरदा की फैमिली के साथ बैठेगा? देखा, आते नहीं जाती। नमस्कार सबसे पहले। उसके बाद में क्या करेगा अभी तू? पहले नमस्कार है तो नमस्ते, तो सबसे पहले नमस्ते तो ऐसे किए जैसे उसके बाद बड़ा कुछ ये गाना सुनाएगा। मैं बहुत ज्यादा, हाँ देखो इसके रहते कुछ मांगेगा पक्का। अच्छा क्या करने आया था बता सही। खैर अमित जी, वो मैंने कुछ चीजें देखी कि जो म्यूजिक में मेरे को अच्छी नहीं लगती। कौन सी चीजें नहीं तुझे अच्छी लगी? जो भेदभाव होता है ना वो नहीं अच्छा लगता मुझे। क्या भेदभाव होता है? हारमोनियम में जो ब्लैक कीज ऊपर होती हैं, व्हाइट वाली नीचे होती हैं। कभी ना जाहिलों वाली बात। हाँ नहीं, वो हमारे बुजुर्ग कहते हैं ना अर्चना जी कि जिस थाली में खाओ उसमें छेद नहीं करना चाहिए। और जब बांसुरी बजाते हैं तो उसमें इतने सारे छेद होते हैं। मैंने कहा था ना ये जाहिलों वाली बात करेगा। बांसुरी में छेद इसलिए होते हैं ताकि वो सुर निकले उसके। अच्छा, एक सुर के लिए छेद, तो ससुर के लिए तो फिर सुरंग बना देते होंगे। देखा, मैंने कहा था ये ऐसी बातें करेगा। म्यूजिक के बारे में मेरे को मत बताओ, इधर मैं भी घराने से बिलोंग करता हूँ। घराना उनका होता है जिनका घर हो। तेरा फुट पताना है तेरा। इधर बैठो, इधर बैठो। सोनी साहब के गुलजार साहब बैठो इधर। क्या शब्द दिया आपने, फुट पताना। खैर अमित जी, मेरे को भी प्रॉपर एक अच्छी नॉलेज है म्यूजिक की। जैसे वो तानसेन साहब वो सुर लगाते थे ना, तो वो मैं भी लगा सकता हूँ। तो लगा फिर। नहीं, लगाने नहीं ना मैंने, क्योंकि जब वो लगाते थे तो आग लग जाती थी, बारिश हो जाती थी, और मैं बिल्कुल नेचर लवर हूँ, मैं प्रकृति के खिलाफ कुछ करता नहीं हूँ। अच्छा हाँ जी,
तो फिर ये जो सुबह सुबह बोतल पानी की लेके जो प्रकृति के साथ उसकी बनाई हुई जमीन को जो तो गंदा करता है वो क्यों करता है फिर? वो खाद होती है। गाना गाना छोड़ दिया तूने? मैंने छोड़ दिया था, तभी छोड़ दिया था। फिर मैंने कहा मेरे बस की बात नहीं है गाना गाना। अच्छा। फिर मैंने लिखना शुरू कर दिया। अच्छा ना। लिखता बहुत है ये? मैं बहुत लिखता हूँ। क्या सुनिटी को चिट्ठी लिखता है मेरे को क्राइम पेट्रोल में एज ए लाश ले लो? क्यों लिखता है ये सब चिट्ठियां? सारी जान तो हमारी इधर निकाल देता, फिर उधर लाश का रोल मिलेगा हमें। वो आपको पता है जो ए आर रहमान साहब का वो जो फेमस गाना जिसको ऑस्कर मिला वो भी मैंने लिखा था। कौन सा गाना? जय हो। और जागरण में जितनी ज्यादा जय हो मैं करता हूं, करता कोई नहीं है। आपको पता है उनको गर्मी अवार्ड भी मिल गया था। क्या अवार्ड? गर्मी? जिसने सारी उम्र ना जिसके घमौरियां निकली हो उसको तो गर्मी लगेगा ना। गर्मी नहीं होता बे, ग्रैमी अवार्ड होता है वो। अच्छा, गर्मियों की छुट्टियां हो जाती हैं, गर्मियों के कपड़े हो सकते हैं, तो गर्मी का अवार्ड नहीं हो सकता? अच्छा, आप में से कोई बच्चा पूछ रहा था ना कि आयोडीन की कमी से क्या होता है? ये होता है। ये जो फालतू की बातें कर रहा है ना ये, देखो कपूर शर्मा, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा आयोडीन किसी को नहीं मिलता। भगवान ने जिसको आयोडीन जितना देना वो दे ही देना है। पीठ पीछे कोई बातें कर रहा है, इधर आके बैठ। नहीं, वो बड़े लोग बैठे हैं। इसको ये प्रॉब्लम है, इसको सोफे बिठा दो ना, इसके घमौरियां निकल आती हैं। इसको इज्जत नहीं हजम होती। स्पॉट दादा, ये बहुत तंग कर रहा है। जैसे यहाँ पे आप लोग फ्रूट रखते हो ना, एक हंटर भी रखा करो, इसको लगेगा। स्पॉट दादा, पहले वो मेन मेन पतीले रखो यार, जो मैं काम करने के लिए इधर आया हूँ। क्या करने है? मैंने उधर ढाबा खोलना अपना। अरे वाह चंदू, अगले कैसे है रे चंदू? मैं बहुत अच्छा ही ले। अरे वाह मुबारक हो, अब घर के बर्तन भी बिकना चालू हो गए। इधर मैं बर्तन नहीं बेचने आया हूँ। बर्तन? ओ माय गॉड, अरे क्या बात है, किशोर जी की फैमिली से कुमार जाइले। जोरदार ताली हो जाए। हेलो सर, कैसे कैसे है? धीरे से अब मेरे को पता चला है चंदू क्यों आता है इधर। जब बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग आते हैं ना तो खाली बर्तन लेकर आता है मांगने के लिए। देख क्या रहा है, माटूंगा के मंगोड़ी। मैं मांगने के लिए नहीं आया हूँ, उधर मैंने ढाबा खोलना है। ढाबा खोलना है तो जल्दी खोल बाबा। क्योंकि बाद में तेरा सामान हमको फेंकना भी रहता है। ऐसे कैसे फेंक दोगे? मैंने इधर सोनी साहब से चिट्ठी लिखवाई है, ये देखो। सोनी साहब मतलब सोनी टीवी? ये चिट्ठी लिखवाई मैंने सोनी साहब। सोनी साहब की है? जा सोनी साहब को बुला के लमें बात करेगी उनसे। अच्छा, मुझे पता था इसने ऐसे करना है, इसलिए मैंने चिट्ठी लिखवाई नहीं। बड़ा इधर सेलिब्रिटी लोग से बात करेगी। कैसे सर? एकदम सर, एक सच्ची बात बोलूं, पूरी दुनिया के लिए ना आपकी फैमिली बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। सच्ची में आप सब लोग को देख कर ना दिल एकदम उठ लियो ऐसा हो गया। सर मेरा बचपन से सपना था कि मैं बड़ी होके ना सिंगिंग बनूं। सिंगिंग नहीं, सिंगर होता है। नहीं, जेंट सिंगर रहता है, लेडी सिंगिंग ही रहते हैं। ये कप्पू को ज्यादा मालूम नहीं है, इंग्लिश का प्रॉब्लम है इसका। तू नाला सोपर है, मैं तेरा इंग्लिश ठीक हो जाएगा। अरे तेरे पीछे जो आदमी है उसको तरस दे। कौन? अच्छा हाँ, चंदू से बातें कर रहा है वो। ये ले, इसके साथ लगे रहे तो तेरे को मजा आएगा। सर मेरा कहता मैं तो सिंगिंग बनी नहीं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि जब मेरा बेटा होगा ना उसको मैं बहुत बड़ा सिंगर बनाएगी। क्यों? क्योंकि मैं बहुत गरीब फैमिली से है ना, और मैं इधर के रियलिटी शो देखी है, जितने कंटेस्टेंट रहते ना वो भी गरीब रहते, माँ बाप तो और भी गरीब रहते। और सर क्या रहता है, गरीब लोग रहते ना उनको बहुत वोट मिलते। मैं चाहती है मेरा बेटा रहे ना उसको बहुत सारा वोट मिले, इतना वोट मिले कि बड़ा होके वो बहुत बड़ा मंत्री बने। और बहुत बड़ा मंत्री बनने के बाद ना वो एक बहुत बड़े शो में ना जाके कुर्सी पे बैठे, और फिर बाद में एक महिला आए। और वो महिला आके उसकी कुर्सी छीन ले,
और उसकी कुर्सी पे बैठ जाए और मैं फिर से गरीब हो जाऊं, मैं यही कहूं। सपना मेरी बात सुनो, रियलिटी शो में काम करने के लिए टैलेंट होना चाहिए। रियलिटी शो में नहीं, किसी भी शो में टैलेंट मांगता ही मांगता है। बिल्कुल, इसको क्यों समझा रहे, ये तो तेरा दोस्त है। चलो दोस्त हो तो क्या हुआ, उन लोगों की तरह तो नहीं ना जो भांजे होकर भांजियां बन बन कर इधर काम ढूंढ रहे हैं। मेरे साथ ज्यादा पर्सनल मत होना, मैं बोलती है यार, वो तो शो पे मैं भांजी है समझा। पैकअप के बाद मिल, तेरे को भांजे का प्यार देगी मैं। बात कर रहे ले इधर, बकवास करते। सपना मैं तो यार मजाक करता हूँ, तुम तो ऐसे गुस्सा कर जाती हो। क्या मजाक करता हूँ? मजाक करता है? अब तू ही मजाक करेगा क्या? हम लोग क्या इधर सेल्फी लेने को आए? मजाक करते मुंह देखो इसका। सर लोग से, सेलिब्रिटी लोग से बात करेगी मैं। अब वो गाना है ना आपके डैडी का, एक लड़की भीगी भागी सी, सर वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि मेरा छावा रहता है ना नाला सुपारा में, मैम छावा समझते हैं ना? छावा क्या होता है? छावा, छावा, वो मेरा छावा रहता है उधर, बॉयफ्रेंड। जब भी मेरे को मिलता है ना, वो किशोर दा का गाना गाते है कि लड़की भीगी भागी सी। अच्छा, हाँ। तुम बारिश में मिले थे? नहीं, कीचड़ में मिली थी हम लोग। कीचड़ में कौन मिलता है? उसका सुअर निलाने का काम है ना नाला सोपारा। हंसने का क्या तुम लोग? मुकेश डुक्कर वॉशिंग कंपनी है। और सुअर लोग को नहीं लाते मालूम है मैम? आप देखे ऐसा क्यूट से रहते हैं, सुम ऐसा रहते हैं, ऐसा पिंक कलर के रहते हैं ना। अमित जी भी बहुत बड़े फैन है। अरे वो तो उसके लिए कस्टमर भी ढूंढते हैं। वो कैसे ढूंढते हैं? अरे मैं केबीसी में देखी है, वो सबको पूछते हैं आर यू सुअर, आर यू सुअर, ऐसा करके। मुकेश तो सर उधर नाला सुपारा में इतना फेमस हो गया है ना सर अभी के, उस पे तो आप लोग पिक्चर में बायोपिक पिक्चर बनाते हैं ना, उस पे हम बायोपिक बना रहे। हाँ, उसका नाम है सुअर नामा। एक बार उसने बहुत बड़ा सूर नहलाया, फिर अंदर से लड़की निकली। दोबारा नहलाया, फिर हाँ। वो लड़का निकला। तेरी बात कर रहे, तू क्या देखता है इधर, तेरे बारे में बोलता है। और उसने बूट पहने हुए थे। हाँ, वो भी काले रंग के। और एक ही शर्ट पैंट पहन के घूमता है वो 5 साल से। गमछा लगा के। सपना क्यों गुस्सा कर रही है, मेरी बात सुनो। तुम जो मर्जी लिख लो, लेकिन मैंने इधर ऊपर लिखवा ही देना है चंदू दा ढाबा। चंदू दा ढाबा? तो एक काम कर, बाहर जाके चाय की टेपरी खोल के इधर और जाके। कप्पू, ये कल की लड़की मेरे को सिखाई कि मैंने क्या खोलना है। ए, मैं भले कल की लड़की है, लेकिन परसों तक का कमाई लाए मैंने, समझा? और तरसों तक का जुगाड़ किए लाए, और इधर बरसों तक मैच टिकी रहेगी, ये भी तू लिख ले। बात करते देखो, जा रहे बाय। नहीं बाय नहीं, आइडिया दे रहा हूँ तुम्हें मैं, मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है। तुम पीछे अपना ब्यूटी पार्लर चलाओ, आगे मेरे को थोड़ी सी जगह दे दो, मैं तुम्हें एक वक्त का खाना फ्री दे दिया करूंगा। भिखारन हूं मैं? एक वक्त का खाना फ्री में देगा? मेरे को 3 टाइम का खाना एक बार में चाहिए, वो भी दिन में 4 बार, समझा? बात कर रहे हैं ये भिखारी समझते है। तुम दिन में 4 टाइम खाना खाती हो? नॉर्मल लोग 4 टाइम ही खाते, तेरे जैसा नहीं, जब मिल जाए तब खा लिया। सही बोला ना मैम? ये भिखारी लोग आते ऐसे रहते हैं लोग। सपना तू इतना खाना खाती है, हाँ, तो अंदर मसाज करते कि पहाड़ तोड़ती है? कप्पू तेरे को मालूम नहीं कितनी जान लगती है मालूम है मसाज करने में? कैसे? आपको पता है मैम, कल एक अंकल आए, उनके पेट पे मैं मसाज कर रही थी, मैंने पूरी जान लगाई, उनके नान बाहर आ गई मालूम। ना, ना, ना,
देखो सपना मेरी बात सुनो, मेरा ढाबा खोलने दो, मेरा ढाबा खोलने दो, मैं तुम्हें नए नए नान बना के दूंगा। अच्छा नॉनसेंस बात मत करना, समझा इधर, बड़ा है तू क्या खोलेगा, तू चल डिस्टर्ब नहीं कर, बड़े बड़े लोग है, किशोर दा की फैमिली आई ली, कप्पू को भी डिस्टर्ब कर रहा है। ओए ओए रुको रुको मेरी बात सुनो। क्या आज तुम दोनों भाई बहन मिलकर एक अबला पुरुष को यहाँ से निकाल रहे हो ना? अबला पुरुष? अगले हफ्ते तक मैंने इधर ढाबा नहीं खोला ना, तो उससे अगले हफ्ते खोल लूंगा, कोई बात नहीं। तू भाग इधर से। ये बात सुनो यार। क्या? देखो मिलजुल के काम कर लेते हैं, ऐसे ऐसे क्या, आगे शब्द ही नहीं है, निकल यहाँ से। अच्छा मेरी बात सुनो। क्या? ये रख अपने पास। यार मेरी बात, अब एक भी डायलॉग नहीं, निकल ना इधर से, काहे को टाइम पास कर रहा है इधर, इसका क्या एक भी। ओके मैम बाय। अच्छा अमित जी, हमने ऐसा सुना है कि जैसे किशोरदा को कोई बुरा बोल देता था तो बदला जरूर लेते थे वो, ये सही बात है? सही बात है, मतलब कि एक बार हुआ था, वो पिताजी ने बताया था मुझे बचपन में, अभी जब खंडवा से आए वो बॉम्बे आए तो 1946 में आए थे, 45-46 में आए। अच्छा जी। दादा उन्हीं तब तो स्टार थे, पिताजी को खाने का बहुत शौक था। अच्छा जी। तो कहीं शूटिंग है तो किशोरिया, दादा उन्हीं किशोरिया बोलते, किशोरिया हाँ चल आज मेरा यहाँ शूटिंग आएगा, नहीं 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 मैं नहीं आऊँगा, अरे खाने को मिलेगा, अच्छा आता हूँ। तो सर तो एक बॉम्बे टॉकीज या फिल्मिस्तान में उस वक्त मुहूर्त था, अशोक कुमार हीरो थे, तो फिर पिताजी गए, अभी दादा मुनि अशोक कुमार जी वॉज वेरी हैंडसम यू नो, गोरे थे एकदम, पिताजी थोड़े से मतलब काले थे, तो छोटा सा बच्चा सब लॉलीपॉप लेके आया है 9 साल 10 साल का दादा मुनि, तो जैसे एंट्री हुई दादा मुनि तो सब आ गए, फोटोग्राफ ले गए, डायरेक्टर भी आ गए, दादा मुनि वेलकम, हेलो वेलकम, वेरी गुड गुड विशेस, बोल के ऐसा देखा तो ये कौन है दादा मुनि? मेरा भाई है किशोर। अच्छा अच्छा अच्छा, काला है? आप कितने गोरे हैं, काला काला जैसे बोला ना बाबा, मुझे काला बोला, मुझे काला बोला अनमन में, ठीक है बच्चू मेरा भी जब वक्त आएगा देख लूंगा मैं। अच्छा। और वक्त तो आया बाद में, ये हीरो बन गए, अभी वही डायरेक्टर दादा मुनि को फोन कर रहे, ही वॉज वेरी क्लोज टू दादा मुनि। अच्छा जी। दादा मुनि आजकल किशोर बहुत अच्छा काम कर रहा है पिक्चर में, आई वॉन्ट टू टेक हिम एज अ हीरो। दादा मुनि ठीक है मैं बात करता हूँ, तो बाबा दादा मुनि ने फोन किया, किशोर तू ऐसा ऐसा है डायरेक्टर फोन किया है, और याद है वो मुहूर्त में आया था, बोला हाँ 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 हाँ, तो वहाँ पे वो तेरे को हीरो लेना चाहता है, तो बाबा बोले काला। तो काला किसको बोल रहा है? नहीं, नहीं, नहीं मुझे याद आया, तो बदतमीजी मत करना, वो उसका आदमी आएगा हाँ तो जाके मिलना ऑफिस में, मैनेजर आए, तो बाबा बोले ठीक है मैं ज़रूर आऊँगा लेकिन मेरे कुछ शर्तें हैं। बोले क्या है? बोलिए। बोले मैं जब आऊँगा उनके उनसे मिलने डायरेक्टर साहब से, प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो उनका ऑफिस तो होगा वहाँ पे। बोला बिल्कुल ऑफिस है वहाँ पे, टेबल तो होगा हाँ, बोले इस तरफ चेयर होगा वहाँ पे बैठे होंगे वहाँ, तो मेरी जब एंट्री होगी तो मेरी एंट्री में मैं वहाँ से गुलाटी मारते मारते आऊँगा, ऐसे गुलाटी मारते 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 मैं टेबल के ऊपर आके खड़े हो जाऊँगा ऐसा करके, और वो वहाँ से उठ के वो भी गुलाटी मार के टेबल के ऊपर खड़े हो जाएंगे। अच्छा वहाँ पे दोनों ऐसा सैल्यूट करके दोनों वहाँ पे बिजनेस की बात होगी, बल 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 हेलो हाउ नाइस मीटिंग, हाँ कितना कितना पैसा लोगे, क्या बल 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 ये पिक्चर है तुम हीरो, बल बल बल, उसके बाद गुलाटी मारते मारते मैं निकल जाऊँगा, और वो भी गुलाटी मारते मारते वहाँ पे बैठ के वो चेयर घूमता हुआ चेयर में घूमेंगे। अच्छा ये मेरी शर्त है, उसने जाके बोल दिया। अच्छा बस ये बिकम फिरोज हो गए, फोन किया उन्होंने, दादा मुनि क्या हुआ, क्या किया उसने? बोले मैं उसे हीरो लेना चाहता था लेकिन थैंक यू, लेकिन उसने ऐसा बदतमीजी की, उसने ऐसा किया, पूरा सुना दिया। तो अच्छा मैं देखता हूँ, फोन रखा, फिर दादा मुनि घूमे, फोन किया, तूने क्या किया, मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया, तू अब भी आ मेरे पास। पिताजी गए जाके, तो अच्छा दादा मुनि घूम रहे थे वहां पे, मतलब जैसा शेर घूमता है ना पिंजरों में, वेट कर रहे हैं। तो जैसे पिताजी की एंट्री हुई तो ऐसा देखा,
आज हंसी भी है उनको अच्छा भी लग रहा है। फिर क्या बोला तूने, क्या बोला? मतलब कुछ नहीं दादा, वो नहीं, मैं बचपन में जब गया था ना तो मुहूर्त में तो मुझे काला बोल दिया, काला बोला, हाँ मुझे काला बोल दिया, तो मुझे लग गई। अब मेरा टाइम आया तो मैंने उसे ऐसा बदला लिया मैंने, तो उसमें क्या बुरा क्या किया मैंने। सुनिए तो दादा वो नहीं बोल रहे क्लाइमैक्स, दादा बोले तू ये सब करके बच जाता है, मेरे से होता नहीं है। अच्छा तेरी कसम और एक लव स्टोरी जो दो फिल्में आई थी अमित जी ने पूरे पूरे उसमें गाने गाए। अमित जी अगर किशोर साहब के इतने सारे मजेदार किस्से हैं तो आपके तो कितने सारे किस्से होंगे। देखिए लव स्टोरी जिसमें मैं आई बिकेम द वॉइस ऑफ कुमार गौरव जी, कुमार गौरव का वॉइस हो गया था जी बिल्कुल, थैंक्स टू आर डी बर्मन जी, राहुल रवेल, राजेंद्र कुमार जी जी। अभी हमारे इंडस्ट्री में अच्छे लोग बहुत हैं और दूसरे किस्म के लोग बहुत हैं जो हवा देते हैं। तो किसी ने जाके पंचमदा को बोल दिया कि अमित तो आजकल पंचमदा पता नहीं अपने आप क्या समझ रहा है, ऐसा 20,000 मांग रहा है, ये मांग रहा है, तो बुला उसको, बुलाया तो मैं गया तो सबको बाहर किया। फिर मेरे को लेक्चर शुरू, तू क्या किशोर कुमार है, मोहम्मद रफ़ी क्या कर रहा है, तू अभी से पैसा मांगता है, पहले बेस बनाओ यार, खबरदार पैसा नहीं मांगने का। किशोरदा के बाद इतने 2-3 झाड़ एक हिलाएगा तो 1 करोड़ गिरेगा, तू पैसा क्यों मांगता है। अच्छा नहीं मांगूंगा, मतलब मैं तेरे को दूसरी पिक्चर देता हूँ तेरी कसम, कल आ जा गाना गा, पैसा नहीं मांगने का। मतलब नहीं मांगूंगा। तो मैं गया, मैंने गाना गाया, मुझे 2,500 का चेक मिला भैया। अच्छा वाह। तो मैंने 2,500 देख के ऐसा बोला, 2,500 मिल गया पंचमदा, मुझे 2,500 का चेक मिला, क्या बात है, वेरी गुड, ये हुई ना बात, अपने बल बूते हुए मिला तुझे 2,500 का चेक, जा बैंक में जमा दे। मैं बैंक में जमा दिया, चेक बाउंस हो गया। हजार का चेक मिल गया। तो जैसे ओक की हुआ टेक गाना, ये जमी गा रही आसमां गा रहा है जी। अच्छा गाना रिकॉर्डिंग हो गया तो बख्शी साहब ने लिखा था, तो गुलशन बावरा जी वो पूरा ग्रुप था ना पंचमदा का, उसने मुझे फोन, ओए उल्लू के पट्टे तूने अंतरे में शोक को शौक बोल दिया। अच्छा। शोक कलियों, मैंने शोक कलियों के, मतलब मैं क्या करूं, मतलब पंचम को क्या हो गया, मतलब क्या मालूम, मतलब फिर से डब करो, डब किया अभी चला गया, अभी पिक्चराइज भी हो गया अभी। अच्छा तो ऐसे ही चला गया, अभी ऐसे ही चला गया, तो अभी रिकॉर्ड में शौक ही है। हमने भी अंदर की खबर सुनी है कि रूप तेरा मस्ताना जो मतलब इतना हिट है गाना, आज तक गाते हैं सब लोग स्टेज पे गाते हैं। अच्छा उसकी कंपोजिशन बोलते हैं ऐसी थी नहीं। बाकी का किस्सा अमित जी सुनाएंगे जी जी। वो क्या किस्सा है अमित जी? नहीं नहीं रूप तेरा मस्ताना पहला जब बनाया था उन्होंने बर्मन, सीनियर बर्मन एस डी बर्मन साहब ने, तो वो उनका भाटियाली अंग का था एकदम। एस डी बर्मन वॉज वेरी कंसर्न अबाउट माई फादर्स वॉइस यू नो जी, किसी भी टाइम फोन करते थे वो। अच्छा जी। रात के 1:30 बजे कड़ें कड़ें बाबा सो रहे हैं, हेलो 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 किशोर, धड़ाम रख दिया। पिताजी ने फोन घुमाया, बोला क्या हुआ सचिन दा, आप फोन कर रहे हो रात के 1:30 बजे, क्या हुआ? नहीं मैं तेरी गली की आवाज़ सुन रहा था। ठीक है अभी रिकॉर्डिंग है 15 दिन के बाद। अच्छा तो ऐसे एक बार ऐसे ही किया, फोन किया, बोले किशोर वो शक्ति पोलो, मैं शक्ति दा, शक्ति एक पिक्चर बना रहा है उसमें मैं तेरा का 1-2-3 गाना दूंगा। एक गाना मेरे दिमाग में आया, मेरा भाटियाली ट्यून है, तू सवेरे उमित को लेकर आ जा, मेरे को ही यूज्ड टू कॉल मी नॉट अमित, उमित, उमित को लेकर आ जा, मैं खाना वाना बनाता हूँ, मच्छी वच्छी बनाएंगे, लेकिन तेरे को रिहर्सल करना पड़ेगा। अच्छा वो इंडस्ट्री में नया हीरो आया है, वो नेपाली लगता है राजेश खन्ना। अच्छा ये बोलने की क्या जरूरत है, पर उसके लिए हमने तेरे को चुना है। तो वहाँ पे हम गए तो फर्स्ट फ्लोर था तब नीचे, तो वहाँ पे सामने वो डिस्ट्रीब्यूट पोर्टिक वहाँ पे एसडी बर्मन घूम रहे थे, वो पान खाते थे ना बहुत। अच्छा तो अंदर सब बैठे हुए थे, तो पान पिकदानी लेके फेंक के सब सोच रहे थे, तो हमारी गाड़ी एंट्री हुई, तो पिताजी बोले अरे दादा मैं आ गया। अरे तू आ गया, अरे किशोर आ गया तू, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसा अंदर चले गए। अभी हम क्या क्या सोचेंगे, दरवाज़ा खोल देंगे ना, 1 मिनट हो गया दरवाजे नहीं खोले, तो पिताजी बोल रहे दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है, सचिंदा ओ सचिंदा, गुड़ खिड़की खोल गई, अरे तू कब आया? तो भाई बोले अभी तो मैंने आपसे गाड़ी से उतर के बोला आप दरवाजा तो खोलो, घंटी क्यों नहीं बजाए।
घंटी क्यों नहीं बजा? अरे बाप रे, घंटी बजाओ, दरवाजा खोला, अब अंदर गए। अभी अंदर गए तो अंदर सब साजिंदे बैठे हुए थे सब, और कोने में राजेश खन्ना, आर डी बर्मन और शक्ति दा, तीनों कुछ सीरियस थे। तो पिताजी तो एकदम फिल्मी, ये का क्लोजअप धाड़ 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 धाड़, समझ गए समथिंग इज फिशी, कुछ गड़बड़ है। अभी एस डी बर्मन बोले, किशोर ये गाना मैंने बनाया है, तू एक मेरा भाटियाली स्टाइल त्रिपुरा का है एकदम, तू सुन। आर डी बर्मन शक्तिदा आगे पिताजी बोले, किशोर हाँ मेरे जम जम नहीं रहा है, मुझे कुछ करो इसको, ये मैं एक शॉट में लूंगा ये, वेस्टर्न फील चाहिए, ये मेरे को नहीं चाहिए त्रिपुरा, फिर परेशान है। अभी एस डी भवन समझ गए कुछ ये लोग मिली भगत है, कुछ गड़बड़। तो पिताजी उस वक्त फट से उनको याद आया एस डी भवन का एक कंपोजिशन, क्योंकि सचिंदा के साथ वो बचपन से साथ में रह चुके ना जी, तब उनको याद आया कि एक उन्होंने बनाया था, उन्होंने एक बंगला एक बट डमी वर्ड्स लिखा था। तो उन्होंने बोला कि सचिंदा, ओ सचिंदा, किशोर मेरे को गड़बड़ मत करा, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज, मेरा यही रहेगा, मैं तो सोचते हो बोलो पंचम को ले ले, मैं नहीं, मैं तिल लेने गया, मेरा यही रहेगा। मैंने बोले मेरी बात तो सुनिए, मैं आप जो हाफ पैंट पहनता था वो गाना आपने बनाया था, कौन सा बोला। और एस डी बर्मन इतने खुश हो गए, किशोर किशोर हाँ चल पवई लेक चलते हैं, क्यों मच्छी पकड़ेंगे यार, इतना खुश होता हूँ मच्छी खिलाता हूँ। लीना जी ने बहुत सारे ऐसे गाने लिखे हैं जो अमित जी ने गाए हैं। अच्छा गाना था अर्चना जी, कोई हमदम ना रहा फिल्म जुमरू में से, वो गाना किशोर जी ने भी गाया और अशोक जी ने भी गाया, दादा मुनि जी ने, तो ऐसा क्यों अमित जी? दादा मुनि उनकी पहली फिल्म जीवन नहीं है 1936 में ये गाना गाया था जी। तो पहले दादा अशोक कुमार जी ने क्लासिकल संगीत की तालीम ली थी, क्लासिकल सिंगिंग जानते थे, तो तब से पिताजी के दिमाग में ये ट्यून बैठ गया था। तो ये पिताजी को बहुत लग गया। तो पिताजी ने बोला, दादा मुनि मैं ये गाना देखना अपने स्टाइल में बनाऊंगा, मैं गाऊंगा। अच्छा। तो उसके 30 साल के बाद बाबा ने बनाया कोई हमदम को, एकदम मॉडर्न कर दिया जी झुमरू में। एक बार हमारे सारे कलाकारों के लिए जोरदार तालियां। आपको मजा आया होगा। ठीक हो गई मैं बीमार थी। क्या हो गया था आपको? डायबिटीज शूटअप हो गया था ना, ज्यादा मीठा खा के। अच्छा बर्थडे था तो जैसे प्रकाश ने फोन किया ना कि आपके शो में जाना, बाय गॉड ना मैं ये नहीं कर रही हूँ एग्जैजरेट, यही ना हैप्पीनेस, खुशी ही होती है दवा। सो स्वीट, गॉड ब्लेस यू लीना जी। थैंक यू। तो लीना जी का ये कहना है कि हमारा शो देख के उनका शुगर ठीक हो गया, तो आपको भी अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, प्रॉब्लम हो, लेकिन हो तो हंसी खुशी जो ऐसी चीज है कि आपकी कोई भी बीमारी दूर कर सकती है, इसलिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अमित जी, सुमित जी, लीना जी, थैंक यू सो मच, आपने चार चांद लगा दिया आज हमारे शो पे आके। मैं तो रोज आई स्टार्टेड क्राइंग, आई वेंट बैक, आई टोल्ड हिम, मुझे सब याद आ रहा था, सब मुझे सब याद आ रहा था सब, आई जस्ट वेंट बैक, मतलब ये मैं एक्सपेक्ट नहीं किया, दिस इज, आप लोग बहुत महान कलाकार हो, महान, फैंटास्टिक, क्या बात है, फैंटास्टिक। सो अभी लेकिन जितने भी हमने किस्से सुने लीना जी से, सुमित से, अमित जी से, अभी भी किशोरदा के किस्से जो हैं वो मतलब भरे पड़े हैं। सो हम आपसे प्रॉमिस चाहते हैं कि फ्यूचर में जब भी कभी आपको कंफर्टेबल हो प्लीज हमारे शो पे दोबारा आइएगा, हमें और बहुत सारे किस्से सुनने आप लोगों से। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू। आप सब लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शुभ अखर, थैंक यू।